हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा महामहोत्सव की तू ही जगदाता
साचो तेरो नाम
ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शुभपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुश्युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे रामचंद्र की राम कथा महामहोत्सव की जय श्री राम। तो आज से ये रामकथा महामहोत्सव शुरू है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हालांकि 5 दिन का जो कथा है यहाँ पे है और 1 दिन का कथा हमारे राम जानकी मंदिर में है डेला में। तो आज से हम जो संपूर्ण रामायण करेंगे इसमें हम जन्म को अभी छोड़ देंगे। जन्म की लीला जो है हम उसी दिन करेंगे, राम जन्म के राम नवम के दिन में ही करेंगे वहाँ पे राम जानकी मंदिर में। तो आज मैं बालकांड आज संपूर्ण करेंगे और कल अयोध्या कांड, परसों अरण्य कांड और तरसों जो है हम किष्किंधा कांड और सुंदर कांड करेंगे और आखिर दिन जो है हम युद्ध कांड करेंगे और जो जन्म का जो है लीला हम उसी दिन करेंगे जो रामनवमी के दिन ही करेंगे। तो हमारे पास 2 ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। तो देखा जाए एक जगह में वर्णन है कि जो तुलसीदास जी जो है वो वाल्मीकि जी का ही अवतार है। वाल्मीकि रामायण जो है वो सबसे पहले लिखा गया था, वाल्मीकि जी ने लिखे थे और फिर बाद में तुलसीदास जी लिखते हैं। तो दोनों समान है लेकिन कुछ कुछ लीला थोड़ा ऊपर नीचे है, मतलब समय के हिसाब से। जैसे आप देखेंगे कि तुलसीदास जी जो रामचरितमानस में क्या हो रहा है कि जैसे ही शिव धनुष टूटता है तो परशुराम तुरंत आ जाते हैं और फिर उनके साथ वार्तालाप होता है, फिर वो अपना विष्णु धनुष देते हैं, उसके बाद फिर विवाह किया जाता है भगवान राम सीता माता के बीच में और बाकी भाइयों में। लेकिन वाल्मीकि रामायण में दिया गया है कि विवाह हो गया है वापस जा रहे हैं अयोध्या, तो उसी समय कुछ अपशकुन देखते हैं दशरथ महाराज, कुछ अपशकुन देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि ऐसे अपशकुन क्यों है, मतलब एक जो चील जो है वो बहुत ही ज़ोर से आवाज़ करके उड़ जाती है। तो फिर पूछते हैं वशिष्ठ जी को कि ऐसे अपशकुन क्यों है, तो वो सोच रहे हैं कि कह रहे हैं कि कुछ तो होने वाला है। लेकिन एक शुभ देखते हैं कि जो बाएँ तरफ से कि हिरण जो है दौड़ दौड़ के जा रहा है दाइने तरफ, इसको भी शुभ भी माना जाता है। तो कह रहे हैं एक तो अपशगुन है, एक शुभ का भी शुभ संकेत भी है।
तो उसी समय परशुराम पहुँचते हैं तो वहाँ पे ये होता है। तो इसमें एक्चुअली भगवान राम जी का ये जो अवतारों का जो लीला है वो दूसरे दूसरे कल्प में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो इसी हिसाब से जो वाल्मीकि जी ने जो लिखे हैं वो तो स्वयं ब्रह्मा जी उनको वरदान दिए, मतलब एक समय में नारद मुनि आए थे उनके पास आए और आके वाल्मीकि जी, जब नारद मुनि आते हैं तो वाल्मीकि जी उनको पूछते हैं कि इस समय ऐसा कोई व्यक्ति है, वो उनका जो पूछते हैं उनका जो चरित्र पूछते हैं कि कौन है जो कि सत्य सत्य को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ, वो कौन है जो सर्वाधिक ज्ञानी और सबसे अधिक अधिक सर्वशक्ति शक्तिशाली है, कौन है जो सर्वाधिक सुंदर और सुदर्शन है, कौन है जो उदार हृदय सत्यनिष्ठ कृतज्ञ और सर्वाधिक चतुर है, वो कौन है जिसका चरित्र निष्कलंक है और जो सदैव दूसरे जीवों का कल्याण करने के कार्य में रत रहता है, वो कौन है जिसके मन में कभी भी क्रोध या द्वेष फटकता तक नहीं और फिर भी जिससे समस्त देवी देवता तक डरते हैं, वो कौन है जिसके पास तीनों लोकों में रहने वाले प्रत्येक जीव को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति है, वो कौन है जिन पर सौभाग्य की देवी लक्ष्मी पूर्णतः न्यौछावर रहती है, कौन है वो जो समस्त ऐश्वर्य के पूर्ण आगार है। इस प्रकार जब नारद मुनि को ब्रह्मा जी वाल्मीकि पूछते हैं तो भगवान जो नारद मुनि वो तुरंत उत्तर देते हैं वो है कौन, भगवान राम, उस समय है भगवान राम है उस समय वो कहते हैं। और फिर जो है वो कुछ अवध के बारे में बताते हैं, अयोध्या का क्या है, अयोध्या में बता रहे हैं कि भगवान राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमारी या मानसिक पीड़ा से ग्रस्त नहीं है, सभी लोग अत्यंत प्रसन्न और समृद्ध है और उन्हें चोरों का जो है चोरों का ना भय या अभाव या कोई भूख का कोई भय नहीं है, समस्त कस्बों और गांवों में खाद्यान्न फल सब्जियां दुग्ध उत्पाद प्रचुरता में उसे उपलब्ध है। असल में भगवान राम के राज्य में लोग उतने ही धर्मनिष्ठ और प्रसन्न हैं जितने धर्मनिष्ठ और प्रसन्न सतयुग के समय के लोग हुआ करते थे। वहां बाढ़ भूकंप या अकाल जैसी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, सभी स्त्रियां अत्यंत पवित्र है और उन्हें कभी भी विधवा होने का दंश नहीं भोगना पड़ता, मतलब इच्छा मृत्यु टाइप का था उस समय, है ना, अगर कोई चाहे तो मरेगा ही नहीं, ऐसा इस प्रकार था। तो इस प्रकार कह के जब नारद मुनि चले जाते हैं और वहाँ पे एक बार जो है वाल्मीकि जी बैठे हुए थे तो उसी समय एक शिकारी आता है और आके क्या करता है कि दो पक्षी बैठे हुए थे मेल बर्ड और फीमेल बर्ड, उसमें से वो मेल बर्ड को जो है वो मार देता है, तो वो फीमेल बर्ड जो है वो रोती रहती है, तो उसी समय उनके मुंह से एक श्राप निकल जाता है जो उस शिकारी के प्रति, और निकलने के बाद वो खुद पश्चाताप करते हैं कि ये कैसे हो गया कि मेरे मुँह से, है ना, मुझे क्रोध आया, मुझे जो है मेरे मुँह से श्राप निकल गया, वो पश्चाताप करते रहते हैं। और उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ पे आते हैं, अब ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये जो आपने जो बोले हैं ये अनुष्टुप छंद है और इसी छंद में आपको अभी रामायण का रचना करना होगा। तो वाल्मीकि कहते हैं कि मैं कैसे, मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनको। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे कृपा से आपके हृदय में वो सारा जो भगवान राम जी का जो लीला है वो लीला स्वयं प्रकट होगी और आप उसको लिखेंगे। तो फिर वाल्मीकि जी जो है उस लीला को लिखते हैं जो कि वाल्मीकि रामायण है। और तो उस लीला को लिखने के बाद फिर वो सोचते हैं ये तो लिखा तो गया, अब इसको एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा, है कि नहीं। तो उसके बाद फिर सीता माता उनके पास आती है, फिर उनसे लव कुश प्रकट होते हैं, फिर वो लव कुश को जो है वो सुना पूरा मेमोराइज करा देते हैं वाल्मीकि जी।
और मेमोराइज कराने के बाद फिर उस जो जो श्लोकों को 24,000 श्लोक था तो उसको वो क्या करते हैं कि जाके गांव गांव गली गली में गाते रहते हैं लव कुश। और ऐसे करते करते अयोध्या महल में ये बात पहुंचती है और भगवान राम खुद जो है वो जो है इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं भी सुनना चाहता हूँ। मतलब भगवान राम खुद जो है क्या करते हैं, राम कथा सुनने के लिए आतुर है। और जब लव कुश जाकर सुनाते हैं उस राजमहल में तो भगवान राम लक्ष्मण भरत सब अपने को भूल जाते हैं। तो इसे पता चलता है कि भगवान राम जी का लीला खुद राम जी को भी प्रसन्न है, मतलब वो भी सुनना चाहते हैं। और क्या है कि जब हम भागवतम भी पढ़ते हैं तो भागवतम में भी जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने ऑलरेडी ये जो रामायण है वो ऑलरेडी जो है जो सत्यनिष्ठ सत्वदर्शी लोगों से आपने सुना है। इसका मतलब उस समय भी वाल्मीकि रामायण जो है बार बार सुनाया जा रहा था। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले के जो सूर्यास्त है ना, सूर्यास्त के समय तक सब भोजन वजन कर लेते थे क्योंकि लाइट रात को तो लाइट वाइट रहती नहीं थी, थोड़ा बहुत मतलब दिया वगैरह जलता था, तो इसलिए शाम तक सूर्यास्त तक अपना भोजन वजन सब कंप्लीट कर लेते थे और रात का काम रहता था सिर्फ जो है सिर्फ श्रवण करना 2-3 घंटे। जैसे ही सूर्यास्त हो गया सब बैठ जाते थे और बैठ के क्या होता था, है ना, भगवान जी का कथाओं का श्रवण होता था। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण भी ये जो वाल्मीकि रामायण सुनते थे, भगवान कृष्ण खुद भी जो है शाम के समय में उनको भी द्वारका में उनको भी सुनाया जाता था ये जो रामायण, उनको भी सुनाया जाता था। मतलब सर्व आकर्षक कृष्ण भी वो आकर्षित होते थे किसको सुनने के लिए, राम कथा को सुनने के लिए, है ना। तो ये हो गया वाल्मीकि रामायण। अच्छा, जो तुलसीदास जी जो लिखे हैं रामायण वो कहाँ से आया, वो आया है काक भुसुंडी जब गरुड़ जी को राम कथा सुनाते हैं वहाँ से ये आया है जो रामचरितमानस आया है। तो वो कैसा प्रसंग है कि जब युद्ध चल रहा था जब रामायण युद्ध चल रहा था, मतलब जो रावण के साथ जो युद्ध चल रहा था भगवान राम जी का, तो एक समय में जो मेघनाथ वो क्या करता है, इन नागपाश से वो बांध देता है कि इनको भगवान राम और लक्ष्मण जी को, तो बांध देता है तो दोनों मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब चर्चा चलता है कि क्या किया जाए, अब तो नागपाश में बंध गए, क्या करें। ऐसे करते करते कोई सलाह देता है कि गरुड़ जी को बुलाकर लेकर आना पड़ेगा। तो कौन बुला कर लेकर आएगा, तो फिर हनुमान जी को कहा जाता है भाई आप ही ला सकते हो। तो हनुमान जी जाते हैं और गरुड़ जी को बुलाकर लेकर आते हैं। तो गरुड़ जी आते हैं और आने के बाद जो है वो जैसे ही आते हैं तो नागपाश से जो मुक्त कर देते हैं। तो क्या होता है कि लेकिन गरुड़ जी के मन में संशय आता है, अरे जो परम ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो सब शक्तिशाली है, उनको कैसे नागपाश बांध सकता है। तो इस प्रकार वो सोचते वो पहुंचते हैं कहीं शिव जी के पास पहुंचते हैं। अच्छा, शिव जी वही सेम राम कथा जो है शिव जी पार्वती माता को भी सुना रहे थे, सती माता को भी सुना रहे थे। लेकिन सती माता जो है वो एक बार जो है मतलब किसी कारण वो हो गई, अनमाइंडफुल हो गई, और उसके बाद फिर जो है वो भी उनका भी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो वो भी क्या की, ये जो भगवान राम जी को ही उन्होंने संदेह किया। जब सीता माता का हरण हो चुका है तो उस समय भगवान राम जो है सबको पूछ रहे हैं ना, क्या तुमने मेरे सीते को देखा, किसको पूछ रहे हैं, झाड़ी जंगल और जो है नदी पशु सबको पूछ रहे हैं।
तो सती माता, तो सती माता और वो भगवान, जो भगवान शिव वो जा रहे होते हैं, तो भगवान शिव ने देख के बोले जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किए। तो सती माता किनको ही प्रणाम कर रहे हैं, तो देखिए कि एक व्यक्ति जो है वो अपने पत्नी के शोक में विलाप कर रहा है और इसको इसको पूछ रहा है क्या तुमने मेरे सती को देखा, उसको ही प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर जो है वो सती माता कहती कि ये कौन है, कहते कि ये परम भगवान है, अभी लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, भाई मैं नहीं मानती। तो शिव जी कहे क्या करे, जाओ खुद परख लो, जाके खुद जाके परख लो। तो फिर बोले कि फिर आप कहाँ जाएंगे, नहीं नहीं मैं बैठ के भजन कर लूँगा, है ना, आप जाइए। तो सती माता जाती है, जाके क्या करती है कि अपने आप को सीता रूप में, है ना, स्वरूप धारण करके वो जाती है। जब भगवान राम की ओर जाती है तो भगवान राम जैसे ही देखते हैं तो तुरंत कहते हैं कि माता सती आप जंगल में अकेले, भगवान शिव कहाँ हैं। तो तुरंत वो लज्जित हो जाती है, वो कहती कि हाँ हाँ। तो फिर प्रणाम करके वो जैसे ही मतलब मुड़ के आती है, वो देखती है कि सारा कुछ तो है, सीता माता है, लक्ष्मण है, भरत है, सब कुछ है। मतलब ये सिर्फ जो है दिखने के लिए ही है, वो चली गई है, सीता माता चली गई है। तो जो भी है वो आती है, फिर भगवान शिव पूछते हैं कर ली परीक्षा, ना 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 मैं कहाँ परीक्षा की, मैं तो ऐसे ही आपने कह दिया तो कह दिया, मैं तो गई थी प्रणाम करने के लिए। लेकिन शिव जी जान गए, और शिव जी जब देखे कि ये तो मेरे जो जिनको मैं माता रूप में स्वीकार पूजा करता हूँ, सीता माता मेरे मेरी माता है, इन्होंने उसका रूप धारण कर लिया, तो मैं अब इसको पत्नी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, है ना। उसके बाद फिर तो और फिर आगे बढ़ जाएगा जो है, सती माता इसी कारण भी अपने आप को जो है जला देती है, योग अग्नि में जला देती है। तो ये जो गए थे शिव जी के पास गए थे, तो शिव जी भी थोड़ा समझाने लगे गरुड़ जी को, लेकिन तो उनका जो समझ जो समझाए कि भगवान राम ऐसा है, परब्रह्म है, ये है वो है, तो गरुड़ जी के ऊपर से उड़ने लगा ये सब चीज़, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तो शिव जी सोचे कि ये भी ये पक्षी है तो इसको पक्षी का भाषा चाहिए, इसलिए इसको ना मुझे काकभुसुंडी के पास भेजना होगा। बोले कि आप एक काम करो, तो काकभुसुंडी जो है वो अनंत काल से वो राम कथा करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ जाके आप सुनिए। तो गरुड़ जी जाके पहुँचते हैं, पहुँच के फिर कहते हैं कि ऐसा है शिव जी मुझे भेजे हैं आपसे राम कथा सुनने के लिए। तो काकभुसुंडी जो है फिर पूछते हैं कि आप देखा जाए तो पक्षियों में सबसे निम्न कोटि का होता है कौवा, है कि नहीं, तो आप इतना सुंदर राम कथा करते हैं, आप भगवान राम जी का भक्त है, तो आप इस कौवे के रूप में क्यों हैं। तो काकभूषण ने कहा कि देखो मुझे इसी रूप में ही मुझे जो है आत्म साक्षात्कार हुआ है, जब मुझे इसी रूप में आत्म साक्षात्कार हुआ है तो मैं मुझे क्या ज़रूरत है इस रूप को मैं चेंज करूं, परिवर्तन करूं। तो जो है फिर वो अपना हिस्ट्री बताते हैं, काकभुसुंडी अपना हिस्ट्री बताते हैं कि पूर्व जन्म में एक बार वो एक अयोध्या के राजा थे। तो अयोध्या के राजा थे तो क्या हुआ कि लेकिन अयोध्या के राजा होने के कारण सभी भगवान राम मतलब अयोध्यावासी सभी जो है भगवान राम जी को पूजा करते थे, सम्मान करते थे, उनका गुणगान करते थे, लेकिन उनको कुछ जच नहीं रहा था। वो थे शिव जी के भक्त, तो वो लेकिन हमेशा शिव जी को प्रार्थना करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, मतलब भगवान राम जी के प्रति उनका इतना मतलब आदर नहीं था। कहे क्या करें, यहाँ पे तो सब राम 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 कर रहे हैं, मुझे तो बढ़िया लगता है उज्जैन, है ना, महाकाल, है ना, मैं तो वहीं जाऊँगा और जाके वहाँ पे शिव जी का भक्त मतलब भक्ति करूँगा करके वो उज्जैन जाते हैं।
और जाके वहाँ पे क्या करते हैं, जो है शिव जी की आराधना करते हैं। तो वहाँ पे भी वो अपने एक गुरु ग्रहण करते हैं। गुरु रोज प्रवचन देते हैं और रोज जो प्रवचन देते हैं वो सब तो शिव जी के बारे में बताते हैं, लेकिन आखिर में बताते हैं शिव जी जो है भगवान राम के दास है। तो वो उसको पहचान ही पाते हैं, मतलब उनको प्रवचन में सब कुछ अच्छा लगता है। जब वो कह देते हैं शिव जी जो है राम जी के दास है, तो वो उनको पछता नहीं है, मतलब उनका फिर इसी कारण उनका भी वो गुरु के प्रति भी आदर जो है वो कम होने लगा। तो एक दिन वो क्या कर रहे हैं, अपना जो है गायत्री कर रहे हैं, और उसी समय गुरु जो है उनके सामने आए, और वो देख के भी वो सोचे कि मैं आंखें बंद कर देता हूँ, ऐसा लगेगा मैं देखा ही नहीं हूँ कि नहीं। तो इसी प्रकार उन्होंने अनादर करके, गुरु को अनादर करके अपना गायत्री करने लगे। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया, शिव जी प्रकट हो गए, कहते कि अरे कुछ जो भी कर तूने उन गुरु का भी अपमानना कर दिया है ना, अब तू जा, तू जो है तुझे माना तुझे कोई उद्धार नहीं होगा, तो निम्न कुल में जाएगा। तो फिर जो उनके गुरु थे वो गुरु आ गए, आके शिव जी को प्रार्थना किए कि नहीं नहीं उसको क्षमा कर दीजिए, ये करिए वो करिए। तो फिर उन्होंने कहे ठीक है, ये कौवा के शरीर में होगा, और है ना जब भगवान राम जी लीला करेंगे तो अयोध्या में इसका जन्म होगा। तो फिर ये जो है वो कौवा के शरीर में उनको शरीर मिलता है और अयोध्या में जन्म मिलता है, और वो जाते हैं। अब तो इतना तो हो गया है, अब कम से कम जा रहे हैं कि हाँ भाई कौन है भगवान राम कौन है, जानने के लिए उस शरीर में जाते हैं। और भगवान राम क्या करते हैं, अपना भोजन करके उच्छिष्ट जो है ऐसे फेंक देते थे, और उसको जो है वो क्या करते थे, वो कौवा जो है उसको कौवा के रूप में उसको खाते थे। और खाते खाते एक बार भगवान राम ने क्या किए, एक श्वास लिए जोर से, और उसी में उस कौवा जो है क्या किया, भगवान राम के नाक के अंदर से अंदर चला गया। और अंदर जाके उन्होंने देखे कि पूरा सारा ब्रह्मांड, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब कुछ उन्हीं के अंदर है। ऐसे और किसके साथ हुआ था, कौन बता सकता है? मार्कंडेय ऋषि के साथ होता है ना, वो मार्कंडेय ऋषि जैसे भगवान कृष्ण के हैं गोपाल के मुंह के अंदर चले गए थे। तो इसी प्रकार जब वो सब देखे और उसके बाद फिर जब निकले, फिर वो उनको पूरा आत्म साक्षात्कार हो चुका था, और फिर वो आके क्या करने लगे, जो है भगवान राम जी के कथा करने लगे। तो वो जो कथा है उस कथा को कौन लिख रहे हैं, हमारे जो है तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो इसलिए दोनों कथा में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। तो मैं बस एक दो प्यार लूँगा जो ये इसमें से। तो राम कथा के बारे में ये कह रहे हैं तुलसीदास जी, कह रहे हैं श्रम सकल जन रंजनी राम कथा कली कलु सब गर्जनी राम सियाराम राम सियाराम सियाराम जय जय राम बोलिए राम राम कथा कली पनंग भरीनी भी बेक पावक कहुमरनी राम
राम कथा कली कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई सुधातल सुधातरंगीने भय भंजनी भ्रमिक भुआंगी तो कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं जो राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है विश्राम सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। अरणी जानते हैं ना, जो दोनों लकड़ी को जो घिसा जाता है तो उसमें जो अग्नि निकलता है वो अरणी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान जी का जो कथा है वो कथा से भक्ति है ना, भक्ति प्रकट होती है। और भक्ति माता के दो पुत्र हैं, एक है ज्ञान दूसरा है वैराग्य। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। जो भ्रम है, माया है, उस माया रूपी मेढक है ना, उसको खाने के लिए ये क्या है, सांप है, सर्प है। तो इसलिए ये राम कथा जो है मंगल है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। तो इसी प्रकार ये राम कथा हम आज शुरू कर रहे हैं। वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी और सारे है ना सारे वैष्णवों के चरणों से आशीर्वाद लेकर उनकी कृपा याचना करके तो जन्म लीला तो हम जो है बाद में करेंगे रामनवमी के दिन। तो अब हम चर्चा करेंगे कि भगवान राम अब जो है जाने वाले हैं कहाँ पे, गुरुकुल में। तो जन्म के लगभग 13 दिन के बाद भगवान जी का नामकरण हुआ, वशिष्ठ जी ने नामकरण किए और नाम रखा जो है कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी का पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के जुड़वा पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। और जन्म से ही लक्ष्मण जी जो है वो बहुत ही अटैच थे किनसे, भगवान राम से। तो हमेशा भगवान राम जी के साथ रहते, कहीं पे भी भगवान राम जी जाएंगे उनके साथ वो रहेंगे। और उसी प्रकार शत्रुघ्न जो है वो किन के साथ रहते थे, भरत जी के साथ रहते थे, इसी प्रकार रहते थे। तो इसी प्रकार जो है गुरुकुल में गए, गुरुकुल में सभी प्रकार के उनको विद्या वशिष्ठ ने दिए और उसके करने के बाद उन्होंने जो है सभी प्रकार के विद्या को अध्ययन करके वो वापस आए, कहाँ पे, अयोध्या में वापस आए। तो कुछ ही दिन के उपरांत वहाँ पे विश्वामित्र आते हैं और जैसे ही विश्वामित्र आते हैं तो वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ हैं वो सब जो है उनको आदर देते हैं। और वशिष्ठ जी जो दशरथ महाराज जो है वो उनकी पहले गुणगान करते हैं ना, कोई भी मतलब ये एक कस्टम था कि कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है ना उसको उसका क्या किया जाता है, गुणगान किया जाता है पहले ना,
ये नहीं कि आप किस लिए आए हैं तुरंत तो पूछ लेना है कि नहीं, है कि नहीं। और कभी तो दिखाई नहीं देते थे, आज कैसे दिखाई दे दिए, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं था, पहले क्या होता था, उनका गुणगान किया जाता था। तो दशरथ महाराज कह रहे हैं कि जरूर जो है ये जो संसार में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर चल रहा है, जरूर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। संतों का काम यही रहता है कि कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से इससे जो है लोग क्या हो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर कहते हैं कि आप जो आए हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी को अमृत का प्याला मिल गया है। ऐसे ऐसे वचन बोला जाता है ताकि जो अतिथि है वो प्रसन्न हो जाए, है इसलिए है ना, अतिथि देवो भव पहले कहा जाता था, है कि नहीं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत दिनों से कई जगह सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ पे मूसलाधार वर्षा हो रही हो। और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को बहुत दिनों से वो निसंतान था तो उसको पुत्र रत्न प्राप्त हो गया हो। और किसी को उसका खोया हुआ खजाना मिल गया हो, मतलब उसको कोई उम्मीद नहीं था कि भाई मुझे वो खजाना मिल जाएगा, तो उसको मिल गया हो, है कि नहीं। अब लोग थोड़ा और आगे हो जाए, आगे आ जाइए। तो इसी प्रकार जो है विश्वामित्र को गुणगान करते हैं, विश्वामित्र के गुणगान करते हैं और कहते हैं कि आपका यहाँ आना तो मेरे लिए सौभाग्य है, आपकी उपस्थिति से मेरा सम्मान बढ़ गया है, तो आप बताइए मैं कैसे आपको किस प्रकार आपकी सेवा कर सकूं। तो विश्वामित्र जो है वो कहते हैं कि ऐसा है, मैं एक बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ और समस्या क्या हो रहा है कि उस यज्ञ में जैसे ही मैं उसका समापन करने जाता हूँ और उसी समय मारीची और सुबाहु दो राक्षस आ जाते हैं और आके क्या करते हैं उस यज्ञ शाला में मांस रक्त ये सब जो है हड्डी ये सब गिरा के चले जाते हैं, तो इसलिए मेरा यज्ञ जो है सफल नहीं हो पा रहा है। और इसी कारण मैं सोचता हूँ कि आपका जो पुत्र है राम उसको मैं लेकर जाऊँ, क्योंकि विश्वामित्र जो है उनको राम जी के शक्ति के बारे में पता था और वो क्लियर थे कि वो ये परम भगवान है, लेकिन दशरथ महाराज तो नहीं जानते। तो दशरथ महाराज तुरंत बोला, जैसे ही विश्वामित्र ये कहे कि मैं राम को लेके जाना चाहता हूँ, तो दशरथ महाराज पहले तो मूर्छित हो गए, वही बैठे बैठे ही मूर्छित हो गए। कुछ समय के बाद फिर उठे, फिर मूर्छित हो गए, लगभग एक घंटा वो मूर्छित ही रहे। उसके बाद जब फिर उठे तो बोले, नहीं नहीं एक काम करता हूँ, मैं खुद चलता हूँ, राम तो अभी कुछ जानता ही नहीं है, अभी तो बस अस्त्र में कहीं पे युद्ध गया ही नहीं है, वो कैसे युद्ध करेगा, वो इतने बड़े बड़े असुर है, मैं चलता हूँ, मैं अपने सैनिकों को लेकर चलता हूँ, तो कृपया आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। तो विश्वामित्र कहते हैं कि वो रावण का अनुचर है। तो दशरथ महाराज तुरंत मना कर देते, अरे रावण का अनुचर है, तब तो मैं बिल्कुल हेल्प कर ही नहीं सकता। मना कर दिए, और जैसे मना कर दिए तो जब विश्वामित्र को क्रोध आता है तो उनको कहते हैं कि अरे मूर्ख जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि है ना इस कुल में कोई वचन देकर तोड़ा है, क्योंकि जब आए थे तो वह वचन दिए थे दशरथ महाराज, आपको जो भी सहायता है मैं करूँगा, तो पहली बार ऐसा हुआ है, तो मैं अभी चला जाता हूँ, ये अधम स्थान है,
ऐसे करके मैं अभी चला जाता हूँ, ऐसे करके जब निकलने लगते हैं तो वशिष्ठ समझ जाते हैं, वशिष्ठ जो है उसको संभालते हैं। जय श्री श्री जगन्नाथ यशोदा महारानी की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो वशिष्ठ जी जो है वो समझाते हैं किनको, दशरथ महाराज को समझाते हैं कि देखो ये जो लेकर जा रहे हैं ना, ये चाहे तो ये खुद भी मार सकते हैं, ये बहुत पावरफुल है विश्वामित्र, लेकिन ये आपके बेटे को इसीलिए लेकर जा रहे हैं कि आपका बेटा का यश बढ़ेगा। और कह रहे हैं कि ये जो है इनको ना कुछ अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुआ है शिव जी से। दक्ष की पुत्रियों जया और सुप्रभा से शिव जी को मिले थे, जो अस्त्र मिले थे वो अस्त्र इनके पास है, और ये अस्त्र सब देने वाले हैं, आपके बेटे को देने वाले हैं। तो इसी प्रकार जब वशिष्ठ दशरथ महाराज को समझाते हैं तो दशरथ महाराज भी राजी हो जाते हैं कि ठीक है जो है। फिर राम जी को बुलाते हैं, और जैसे ही राम जी को बुलाते हैं लक्ष्मण जी साथ साथ चले आते हैं। तो फिर राम जी को वो जो है समझाते हैं कि इनके साथ रहना, इनकी सेवा करना, जो भी ये कहेंगे तो उसको तुम पालन करना। तो तुरंत जो है भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ निकल चलते हैं, जो है वहाँ से अयोध्या से निकल चलते हैं। तो सरयू नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद विश्वामित्र अब कहते हैं कि आप जो है ना थोड़ा आचमन कर लीजिए, सरयू नदी में थोड़ा आचमन करके अपना शुद्धिकरण का वो ले लीजिए, और अब ना मैं आपको क्या करूँगा कि बल और अति बल ये दो मंत्र आपको दूंगा। इससे क्या होगा, एक तो आपको थकान नहीं होगा, और आपको जो है वृद्धावस्था भी नहीं आएगा। और फिर खुद कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि आप में एक गुण पहले से विद्यमान है कि नहीं, क्योंकि जानते ही तो परम भगवान है, भगवान जी थोड़ी बूढ़े होते हैं। कई कई मूर्ख जो है वो वीडियो जो सीरियल बनाते हैं उसमें दिखाएंगे कि राम जी का दाढ़ी हो गया है ना, लक्ष्मण जी का दाढ़ी हो गया है, मतलब वो आर्गुमेंट देते हैं कि वो जो वनवास गए थे वहाँ पे तो कोई था नहीं कि नहीं, तो वहाँ पे तो दाढ़ी बढ़ गया था उनका, है ना, मूर्ख है लोग, है ना। तो लेकिन कहते हैं कि हालांकि मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरी कामना है। तो भक्तों की कामना रहती है कि नहीं, जैसे हम लोग जैसे चावर चलाते हैं ना, तो चावर चलाते हैं तो क्या कहते हैं कि दिस ड्राइव्स अवे ऑल इनऑस्पिशियसनेस, है ना, जो अपवित्रता है उसको निकालता है ना। तो वैसे देखा जाए भगवान ने कौन सा अपवित्रता है, हैं, लेकिन भक्तों की ये कामना है ना, भक्त इसी प्रकार से क्या करते हैं, सेवा करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि ये तो मेरी कामना है कि मैं आपको बल और अति बल दूँ। तो इसी प्रकार वो जो है जैसे ही देते हैं तो भगवान लीला करते हैं, भगवान जी का तेज जो है हजार सूर्यों के तेज के समान हो जाता है, और इसी प्रकार वो जो है फिर चलते 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 पहुँचते हैं कहाँ कि फिर गंगा नदी के संगम पर पहुँचते हैं। तो फिर मतलब हर जगह में भगवान राम क्या करते हैं ना, उनको पूछते हैं, मतलब विश्वामित्र का मुनिवर ये कौन सा स्थान है, मुझे ज़रा बताएंगे, है ना। हालांकि भगवान राम सब कुछ जानते हैं, लेकिन है ना उत्सुकता पूछते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये जगह है जिसमें कामदेव द्वारा भगवान शिव की तपस्या में विघ्न डालने के प्रयास किया था कामदेव ने, तो वहाँ पे शिव जी ने क्या किए थे, कामदेव को जलाकर राख कर दी थी। तो इसी प्रकार वो फिर चलते रहते हैं, फिर एक बार में वो गंगा नदी को पार करते हैं। तो गंगा नदी को पार करते करते बीच में देखते हैं कि जो आवाज़ मतलब गड़गड़ाहट का आवाज़ आता है नदी के बीच में, तो फिर कहते हैं कि ये क्या है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर जो विश्वामित्र कहते हैं कि एक्चुअली ये जो ब्रह्मा जी अपने मन से एक सरोवर प्रकट किए थे जिसका है मानस सरोवर, और उस मानस सरोवर से जो है जो जल आकर क्या होता है ये गंगा में
मिलता है। तो इसलिए ये जो है, ये जो आवाज़ है वो मानस सरोवर का जो आवाज़ है। तो इसी के प्रकार चलते 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 फिर एक जगह में पहुँचते हैं जहाँ पे क्या हुआ था कि एक वन देखते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था बट बहुत ही निर्जन था। तो पूछते हैं कि ये कौन सा जगह है, ये तो इसको देखते ही भय आता है, तो ये कौन सा जगह है। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि जब वृत्तासुर को इंद्र ने वध कर दिया, भागवत में कथा आता है, वृत्तासुर एक बहुत परम भक्त थे भगवान जी के, असुर शरीर था, तो उनको जब इंद्र वध कर दिए थे, तो वध करने के बाद वो बहुत ही अशुद्ध हो गए, है ना, उनका सारा तेज जो है नष्ट हो गया, क्योंकि वृत्तासुर क्या है, बहुत ही परम वैष्णव थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किए कि इसी जगह में आए और सारे देवता लोग क्या किए, गंगा जल से इंद्र जी का अभिषेक कराए इसी जगह में, और अभिषेक कराए वैदिक मंत्र पाठ करके। तो जब अभिषेक कराए तो क्या हुआ कि इंद्र का जो भी अशुद्धता था तो वो सब इसी जगह में रह गया। तो बाद में इंद्र ने क्या किया कि उसको आशीर्वाद देकर उस शहर को जो है बहुत ही समृद्धशाली बना दिया, समृद्धशाली राज्य बना दिया। तो बहुत लोग रहते थे उस जगह में, लेकिन उस जगह में ताड़का नामक एक दुष्ट राक्षसी आ गई, और ताड़का आ गई, और ताड़का के जो है दो बेटे हैं, कौन, मारीचि और सुबाहु, वो भी आ गए। तो जब आ गए और इतना परेशान किए तो सब लोग यहाँ से भाग गए हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप जो है क्या करो, इस ताड़का का आज ही वध कर दो। तो हालांकि वो स्त्री है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका जो है संहार करने में कोई समस्या नहीं है। तो राम कहते हैं कि आप तो मेरे गुरु हैं, आप जो भी आज्ञा देंगे उसका तो मैं पालन करूँगा। तो वो क्या करते हैं कि अपना धनुष लेकर जैसे ही उसका जो है टंकार लगाते हैं, इतनी ज़ोर से आवाज़ होती है, सब लोग भयभीत हो जाते हैं। और वो आवाज़ जो है, जब जाके ताड़कासुर जो है जिस गुफा में सोती थी या रहती थी, उस गुफा में जब जाता है तो वो ताड़कासुर जो है बहुत क्रोधित हो जाती है कि कहाँ से आया ये आवाज़ करके वो आती है। तो फिर देखती है, तो फिर भगवान जो है वो तीर चलाने लगते हैं, तो फिर वो उभान हो जाती है, मायावी शक्ति है ना राक्षसों में होता है, तो उसके बाद वो कई सारे पत्थर वगैरह चलाती है, तो भगवान जो है वो सभी पत्थर को चूर चूर कर देते हैं। उसके बाद फिर धूल उड़ाती है बहुत तेज, तो भगवान जो है फिर तीर चलाते रहते हैं। और उसके बाद फिर भगवान जो है क्या करते हैं कि उसका कहते हैं कि अरे लक्ष्मण, मुझे तो इसको मारने के लिए मन नहीं है, मैं क्या करता हूँ, स्त्री है ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका जो है ना दो हाथ को काट देता हूँ। तो फिर उसके दो हाथ को काट देते हैं। फिर भी हाथ को काटने के बाद जो है ताड़कासुर जो है बहुत तेज़ी से आती है, तो फिर लक्ष्मण जी को कहते हैं, तो लक्ष्मण जी उसका नाक और कान काट देते हैं। और फिर भी जब आती है एकदम, फिर पत्थर वगैरह बरसात करने लगती है, तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि आप जो है ना, आप थोड़ा सा दया छोड़िए क्योंकि अब शाम होने वाला है, और शाम होगा तो ये जो है राक्षसों का शक्ति और बढ़ जाएगा। तो फिर भगवान राम जो है एक तीर मारते हैं और उसको मार डालते हैं, और फिर वो गिर जाती है, बहुत तेज़ आवाज़ करके वो गिर जाती है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान राम जो है इस प्रकार भी वहाँ पे एग्जांपल सेट किए ताकि भगवान कृष्ण भी इंस्पायर होंगे पुतना को मारने के लिए कि नहीं, आगे जाके पुतना को भी तो मारना है, वो भी है ना असुर की, मतलब स्त्री असुरी थी। तो इसी प्रकार, तो इस प्रकार करने के बाद फिर जो है आगे चलते हैं, और हाँ, तो इसी प्रकार देवतागण एक समय में आते हैं और आके क्या कहते हैं कि ऐसा है, आगे जाके विश्वामित्र जी को कहते हैं कि आगे जाके ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं भगवान राम,
तो हम चाहते हैं कि कुछ दिव्य अस्त्र इनको दे दिया जाए। तो फिर वो सारे दिव्य अस्त्र विश्वामित्र को देते हैं। तो विश्वामित्र जो है सारे दिव्य अस्त्र को भगवान राम जी को देते हैं। तो दिव्य अस्त्र जो है वो एक पर्सनालिटी के रूप में, व्यक्ति के रूप में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान राम कहते हैं कि अभी आप रहन दीजिए, जब मैं आह्वान करूँगा तब जो है आप आके सेवा देंगे। तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं और चलते चलते फिर जो है पहुँचते हैं कहाँ पे, सिद्धाश्रम में पहुँचते हैं जो कि विश्वामित्र जी का आश्रम था। और विश्वामित्र कहते हैं कि ये जो सिद्धाश्रम है यहाँ पे भगवान वामन देव भी रहते थे, और तो इसलिए, और आप भी उन्हीं के अवतार हैं, आप भी अभी आए हैं, तो इसलिए आप सोचिए कि ये आपका ही जगह है ना। उस प्रकार करने के बाद फिर जो है यज्ञ शुरू होता है सिद्धाश्रम में। और यज्ञ शुरू होता है तो 6 दिन तक तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। 7वें दिन में क्या होता है कि क्या होने लगता है कि कुछ आवाज़ आने लगता है। तो फिर भगवान राम समझ जाते हैं, लक्ष्मण जी भी, पूरा 7 दिन तक दोनों सोए नहीं हैं, पूरा जगे हुए हैं, दिन रात जगे हुए हैं। तो आखिर दिन में जब आवाज़ आता है तो भगवान राम क्या करते हैं कि ऊपर ना एक पूरा एकदम छतरी बना देते हैं एकदम तीर से। एक कथाकार कह रहे थे कि सुबाहु ने मारीचि को कहता है कि मुझे थोड़ा एक दो नंबर जाना है। तो मारीचि ने कहा अभी क्यों जाना है, यज्ञ स्थल तो है, वहाँ पे जाके करना है। है कि नहीं। अब यहाँ पे आके देखता है तो पूरा, तो वो तो पूरा छतरी बन गया है एकदम तीर से। तो सुबह कहता कि अरे मारीचि, तुझे मैंने बोला था और तूने कहा कि यहीं पे करना, मैं कहाँ करूँगा मैं। जो भी है तो वहाँ से जो है वो लोग फेंकते रहते हैं मांस हड्डी जो है फेंकते रहते हैं। और उसके बाद भगवान राम कहते हैं कि इन दोनों को मैं, मतलब मारीचि को तो मैं अभी नहीं मारूँगा क्योंकि ये आगे जाके कुछ करने वाला है, कुछ और भी इसके साथ लीला है। तो इसलिए एक तीर मारते हैं तो वो उसका छाती में लगता है, मतलब मारने वाला तीर नहीं था, मतलब ऐसे भी तीर कुछ था, है कि नहीं। तो वो जैसे ही छाती में लगता है तो मारीचि ना वो सीधा जाके कहाँ गिरता है, मॉरीशस में गिरता है। इसलिए तो उस जगह का नाम पड़ा मॉरीशस, मारीचि के नाम से वो जगह पड़ा मॉरीशस, समझ गए ना। और सुबाहु को लेकिन मार देते हैं, तीर मारते हैं तो सुबाहु जो है मर जाता है। इसी प्रकार यज्ञ जो है संपूर्ण होता है, फिर यज्ञ से अमृत निकलता है और उसको जो है सभी मुनि ऋषि पान करने लगते हैं। तो ये करने के बाद जो है फिर भगवान राम पूछते हैं कि हे ब्राह्मणों, हमने तो जो सेवा के लिए हम आए थे वो सेवा तो हम कर चुके हैं, अभी हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो फिर वो जो है ऋषिगण बोले कि हम सब ना मिथिला राज्य चल रहे हैं, और मिथिला राज्य में क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। तो हम सब जाएंगे, सारा जो है यहाँ से सब सामान वगैरह लेकर जाएंगे वहाँ पे यज्ञ करने के लिए। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धनुष है, शिव धनुष, तो हम सब जाएंगे। तो फिर अगर आप चलना चाहो तो चल सकते हैं। तो फिर राम लक्ष्मण जी का मुझे तो धनुष देखने के लिए बड़ी इच्छा हो रही है। तो दोनों फिर राजी हो जाते हैं चलने के लिए। तो फिर कई जो है रथों के ऊपर जितना भी यज्ञ के लिए सामान वगैरह सब इकट्ठा होता है उसको लोड किया जाता है और उसके बाद फिर चलने लगते हैं। और चलते 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 फिर एक जगह में भगवान राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जो है वो कार्तिकेय का जन्म और गंगा के धरती पर अवतरित कैसे हुए, है ना, जैसे कैसे सगर महाराज जो है भगीरथ जो है वो लेकर आए, तो ये सब जो है वो बताते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते फिर दूसरे दिन जो है विशाल शहर में पहुंचते हैं। विशाल शहर में महाराज सुमति जो है वो उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस कैसे करते करते मिथिला के सीमांत पर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि एक निर्जन आश्रम भगवान राम जी देखते हैं। तो देखने के बाद वो पूछते हैं कि
पूछते हैं कि ये कौन सा आश्रम है, तो पूछते हैं तो फिर विश्वामित्र वहाँ पे वर्णन करते हैं कि ये जो है गौतम ऋषि का आश्रम था और यहाँ पे गौतम और अहल्या रहते थे। तो एक दिन जो है इंद्र आते हैं, किसका मोबाइल है, एक दिन इंद्र आते हैं और वो क्या करते हैं कि गौतम ऋषि का बेस बना के आते हैं और अहल्या के साथ संग करते हैं। हालांकि अहल्या जानती थी कि ये इंद्र है, फिर भी जो है वो जानबूझकर ऐसे अलाउ करती है। और फिर जब एक काम के बाद जब फिर जो अहल्या कहती है कि ये तो मेरे पति के क्रोध से मुझे बचाइए, तो इंद्र कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं तुरंत निकल जाता हूँ। लेकिन निकलते निकलते क्या होता है कि गौतम ऋषि जो है उनको देख लेते हैं और देख के फिर वो जो है समझ जाते हैं और समझ के फिर वो उनको श्राप देते हैं कि अभी के अभी तुम्हारा जो अंडकोश है वो गिर जाए। तो इंद्र का अंडकोश गिर जाता है तो फिर वो चला जाता है, स्वर्ग चले जाते हैं। और फिर अहल्या को जो है आकर गौतम ऋषि उनको भी श्राप देते हैं कि तुम अभी पत्थर बन जाओ और फिर जब भगवान राम आएंगे तुम्हें पर शुद्ध करेंगे, है ना, तुम्हारा जो अभी पाप हुआ है तुम्हें पर शुद्ध करेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा और मेरा हमारा मिलन होगा। तो फिर अहल्या जो है वो पत्थर बन जाती है। तो फिर विश्वामित्र भगवान राम जी को लेकर जाते हैं और अहल्या को जैसे ही भगवान राम जो है उनके चरणों का स्पर्श मिलता है तो अहल्या क्या हो जाती है, वो अपने स्वरूप में आ जाती है। और उसके बाद फिर उस समय से हिमालय से फिर वो आते हैं, गौतम ऋषि आते हैं, फिर दोनों का मिलन होता है और दोनों फिर वहाँ से दूसरे लोक में चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो है दोनों चलते हैं जनक के यज्ञ क्षेत्र की ओर चल पड़े, मतलब उस राज्य में पहुँचते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा रामचरितमानस में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छा वर्णन है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, भय सब सुखी देखी हो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो बिरहु बेरहु विशेषी, तो जब पहुँचते हैं तो बहुत भव्य स्वागत होता है। जनक ऋषि जो है रखिए इको रखिए इको रखिए तो क्या है कि बहुत भारी स्वागत होता है। और फिर जब जनक ऋषि देखते हैं राम भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखते हैं तो सभी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी के मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह, विदेह मतलब कौन, जनक, विदेह विशेष रूप से विदेह हो गए, विदेह विशेष रूप से विदेह हो गए हैं, मतलब वो अपना शरीर को ही भूल गए। है तो विदेह, पहले भी विदेह था उनका नाम, तो वो जो है इसी प्रकार उनका हुआ है। कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो
निगम निधि कही गावा अभय वेश धरि की सोइया विराग रूप मनु मोरा थकित बुद्ध जी में चंद चकोरा ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ कहो नाथ जनी करहु दुराओ इनहि विलोकत अति अनुरागा पर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा मन बेहसी के हृपनी का वचन तुम्हार ना हो अली का तो जनक जी पूछ रहे हैं बबिल जो विश्वामित्र ऋषि को, हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के अभिषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धारण कर नहीं आए हैं? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये जो है सभी के प्रिय है, और ये है रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र रामचंद्र है। बोलो सियावर रामचंद्र की। मुनि नब चरण देखी कहराओ कहीं न सकहु निज पुण्य प्रभाव सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता आनंद के आनंद दाता राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता, और ये जो सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भांति है। दोनों के बीच में अगर प्रीति पवित्र होता है, उससे भी लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, है ना? एक बार किसी आश्रम में क्या हुआ था कि लोगों के बीच में संबंध ठीक नहीं था। आश्रम के जो निवासी है उनके बीच में संबंध ठीक नहीं था, तो इसलिए लोग भी ना वहाँ पे आना कम कर देते हैं, है कि नहीं? जब भी आते हैं लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो वो लोग ऐसे सोचे कि चलिए एक काम करते हैं, दूसरे किसी आश्रम से किसी को बुलाते हैं और समाधान ढूंढते हैं।
तो दूसरे किसी से बुला कर लेकर आए, तो फिर वो कहते हैं, वो आने के बाद उनको समाधान पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि समाधान तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा, बहुत जल्दी आपके आश्रम से किसी को ना परम सिद्धि मिलने वाला है। इतना कह के वो चले जाते हैं। और जैसे ही चले जाते हैं, सब मतलब सबके मन में कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, लेकिन तो इसी प्रकार एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं कि अरे ये बहुत जल्दी इनको सिद्धि मिलने वाला है। तो इसीलिए अपने आप ही जो यहाँ पे जो संबंध है वो पूरा फिर दोबारा ठीक हो जाता है, और फिर लोग जो है फिर आने लगते हैं, है ना, देखते हैं जब इनके बीच में संबंध अच्छा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके जो बीच में जो प्रीति है वो बड़े पवित्र है, और मन को वो मन को बहुत भाती है, है ना। क्योंकि देखो जो प्रेम है ना, वो प्रेम मतलब दोनों के बीच में जो प्रेम होगा, वो प्रेम का जरूर क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है दूसरे के ऊपर, है ना। जैसे काम होता है, काम का भी प्रभाव पड़ेगा और प्रेम का भी प्रभाव पड़ता है, है ना। दोनों के बीच में अगर काम है तो काम का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप बेसिकली फिल्म देखने जाते हैं, है ना, फिल्म में क्या होता है कि उनके बीच में काम है, और वो काम का भी क्या पड़ता है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार जब दोनों के बीच में प्रेम, शुद्ध प्रेम होता है, तो उस प्रेम का भी प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है, जो कि यहाँ पे जनक जी कह रहे हैं ना। और कह रहे हैं कि शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह हो रहा है इनको देख कर, है ना। तो इसी प्रकार करके फिर जनक जी चले जाते हैं, और लक्ष्मण जी को थोड़ा मन है, थोड़ा सा जाके थोड़ा देखे कि जो है ना ये जनकपुर कैसा है, लेकिन जहाँ पे हम जाते हैं थोड़ा सा ना उत्सुकता रहता है ना कि थोड़ा देखे तो क्या है, ये जगह में क्या है, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है वो क्या करते हैं कि तो कहते हैं राम जी को, ऐसे करते हैं कि भैया थोड़ा जा के देखना चाहिए जनकपुर कैसा है, सुने तो हम लोग। तो भगवान राम क्या करते हैं कि परमिशन मांगते हैं विश्वामित्र से, है ना। मतलब कैसे भगवान देखिए कैसे, है ना, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनि मुनि सुकह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तू पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, तुम नीति का रक्षा कैसे नहीं करोगे, क्या जरूरत था। मतलब वैसे देखा जाए तो क्या जरूरत था, देखने जाना है उसमें जरूरत क्या है, और भी जो परम भगवान है, हैं, लेकिन ये क्या है, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम नीति का रक्षा कैसे नहीं करोगे हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। तो इसी प्रकार चलते हैं, और जैसे ही चलते हैं तो जनकपुर में सब देखने लगते हैं, क्या देखने लगते हैं, पीत बसन परिकर कठी भाखा, चारु चापसर सोहत हाका। तन अनुहरत सुख चंद खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। केहरी कंधर बाहु बिसाई,
सुभग सोना सरसी रुह लोचन बदन मयंक तापत यमोचन काननी कनक फुल छवि देही चितवत चितही चोरी जनु लेही चितवनी चारु भुक की बरबांकी तिलक रेख शोभनु चाकी दोनों भाइयों का वस्त्र कैसा है? पीले रंग के वस्त्र है, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है और शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन की खोर लगी है, सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी है, सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है और तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है, तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मुहर लगा दी हो दी गई है। देखन नगर भूप सुनो आए समाचार पुरवासी पाए धाम काम सब त्यागी मन हुरंक निधि मुकट लागी निरति सहज सुंदर दो भाई जुबति भवन धरो कन्नी लागी निरखनि राम रूप अनुरागी कहई परस्पर वचन सप्रीति सिख इन गोपी काम छवि जीती सुरनर असुर नाग मुनि माही शुभाषिकाऊ सुनिया की नाही पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हों।
स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप का को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में से ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। कहौ सखी अस कोन उधारी, जनम हो यह रूप निहारी। कौशक प्रेम बोली मृदु बाणी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के छोटा कल जोता मुनि कौशिक मख के रखबारे, जिन्हिरन अजिर साचर मारे। श्याम गात कल कंज विलोचना, जो मारिचि सुभुज मदमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, राम राम धनुषायक पानी। गौर ईश्वर बेसु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी काशु सुमित्रा माता। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो तो। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र है। बाल राज हंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में मैदान में राक्षसों का मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारीच और सुबाहु के मत को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र है और इनका नाम राम है। जय सियावर रामचंद्र की। और जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई है। उनका नाम लक्ष्मण है। हरि वो। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। देखी राम छवि कौएक कहई, जब जानम की
यह बरुआ है। जो सखी इन्हें देख नर नाहू पन परिहरी हटी करई विवाहू। श्री राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर तो जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लेना तो प्रतिज्ञा छोड़कर हट पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। जब प्रतिज्ञा लिए हैं दशरथ महाराज, जनक महाराज, कि जो शिव धनुष तोड़ेगा है कि नहीं, वही जानकी का है ना पाणी ग्रहण करेगा। तो अगर ऐसा देख लेना तो जो है वो प्रतिज्ञा छोड़ देंगे। कौ कह जौ भल अहई विधाता, सब कहाँ सुनी उचित बलदाता। कौ जनकी मिली बरुए संदेह। जो विधि बस अस बने संजाऊ तो कृतकृत्य होई सब लोग। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु को ए आवही नाते। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे भी हैं। अगर ऐसा नाता हो जाए तो बार बार क्या होगा, इसी नाते में आएंगे ना यहाँ, है कि नहीं। इसलिए जो मतलब मिथिला जनकपुर में है वो सीता माता को सिस्टर मानती है, बहन मानती है ना, और ना जीजा मानते हैं भगवान राम जी को, है कि नहीं। बहुत सुंदर सुंदर कथा है कि जैसे एक बच्चा को, बच्चा का सिस्टर थी नहीं और पिता भी नहीं था, तो माँ जो है वो बचपन से, तो जब बड़ा हुआ तो पूछा कि मेरी एक सिस्टर होती तो मैं खेलता। नहीं, तुम्हारी सिस्टर बहुत बड़ी है, उसकी तो शादी हो चुकी है, विवाह हो चुकी है। तो कहाँ शादी हुई है? नहीं, अयोध्या में शादी हुई है। अच्छा, मेरी सिस्टर का नाम क्या है? सिस्टर का नाम सीता है और जीजा जी का नाम राम है। तो इसी प्रकार जब रक्षाबंधन आता है तो कहता है कि सब लोग तो जो है सब लोग सिस्टर के वहाँ पे जा रहे हैं और राखी बंधवा रहे हैं और मैं कब जाऊँगा। नहीं, अयोध्या बहुत दूर है ना, और जब बड़ा हो जाएगा तब जाएगा। लेकिन वो बच्चा जो थोड़ा सा था, 8-9 साल का था, तो निकल जाता है वो, और जानता है कि जो है कुछ सिस्टर को देना होता है। तो वो क्या करता है कि अपने माँ का जो एक धुला हुआ साड़ी सूखा सूख रहा था उसी को लेकर चल पड़ता है।
और जाके अयोध्या में पहुंच जाता है, और अयोध्या में पहुंच जाता है गोप्रतार घाट, जिसे गोप्रतार घाट में अभी तो 3 दिन पहले गया था, वहाँ से ही भगवान राम अपने साकेत धाम गए थे सभी अपने पार्षदों को लेकर, सिर्फ हनुमान जी को छोड़ गए थे। तो उस जगह में पहुंच जाता है, और पहुंच तो फिर वहाँ पे जो संत मुनि से पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ से आए हो तुम? मैं मिथिला से आया हूँ। तो कहा किससे मिलना है? नहीं, मेरी माँ ने कहा कि मेरी सिस्टर है सीता, और बड़े राजघराने में उसकी विवाह हुई है, तो मैं उसे मिलने आया हूँ। तो संत लोग समझ गए कि भावुक है बेचारा, है ना। तो नहीं, तो वो जब आएगी, है ना, राखी बांधेगी, तब जाके जो है मैं कुछ भोजन करूँगा। तो इसी प्रकार समय बीत जाता है, तो और धीरे धीरे वो बहुत ही क्षीण होने लगता है। तो एक दिन रात को, है ना, देखता है कि एक बहुत बड़ा हाथी के ऊपर बैठ के कोई राजा आ रहे हैं। तो राजा आ रहे हैं, तो वो सोचा कि इन्हीं से पूछूंगा, क्योंकि ये भी राजा जैसे लग रहे हैं, तो और मेरी, है ना, बहन भी, वो कही है मेरी माँ ने कि राजघराने में शादी हुई है, तो इन्हीं को पूछूंगा, ये जानते होंगे। तो भगवान राम उतर के आते हैं, कहते हैं कि किसको ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं, है ना, सीता को ढूंढ रहा हूँ, सीता मेरी सिस्टर है। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, यहाँ कोई सीता नाम की कोई है नहीं ऐसे अयोध्या में। नहीं, मेरी माँ ने कहा है, ऐसे कैसे है, माँ कैसे झूठ बोल सकती है, है ना। फिर रोने लगता है, तो सीता माता जो पीछे वाली हाथी में आ रही थी, तो वो क्या करती है कि कूद के आती है और उसके हाथ में, है ना, राखी बांधती है। तो फिर कहती है कि माँ ने कुछ दिया है मेरे लिए? नहीं, माँ तो आप जानती है कि मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ, और मैं जो है ना, माँ का एक साड़ी लेकर आ गया हूँ ना। उस साड़ी को जो है वो देता है, सीता माता को देता है। तो फिर कहती है कि तुम चलो, तुम जो है तुम आती नहीं हो, तो मतलब वहाँ पे ऐसा होता है ना कि जब तक ना आए, है ना, जो क्या बोलते हैं, मायके से बुलावा ना आए, तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मतलब आजकल की जैसा नहीं है कि नहीं, पहले ऐसा होता था। तो पिताजी तो बुलाए नहीं है, तो फिर तुरंत कहता है कि आपको तो पता है पिताजी हमारा है नहीं। तो माता कहती है कि माँ भी तो नहीं बुलाई है, है ना। तो फिर जो है उसको कहती है कि तुम चले जाओ, और, है ना, बाद में मैं आऊँगी। तो फिर कहते हैं कि तुम आंखें बंद कर लो। फिर आंखें बंद कर देते हैं, तो सीता माता जो है उसी के साथ जो है उसको भेज देते हैं, मिथिला भेज देते हैं, है ना। तो इस प्रकार बहुत सुंदर जो है कथाएं सब है मिथिला में। तो इसी प्रकार यहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर हमारे बन जाते हैं, अगर सीता जी के वर बन जाते हैं, कम से कम इसी बहाने यहाँ पे तो आएंगे ना, है कि नहीं। नहीं तो है सखी, सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है, और ये सांवले राजकुमार तो बहुत कोमल शरीर के बालक है। परीक्षित जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में कि भगवान राम जी का जो चरण है वो इतना कोमल था कि सीता जी जब उनको मसाज करती थी तो उसको भी वो सहन नहीं कर पाता था। भगवान जी का चरण जो है वो कितना कोमल है। जैसे आप जाएंगे विठल भगवान है हमारे महाराष्ट्र पंडरपुर में, तो किसी ने कहा कि जो भगवान का चरण जो है वो मक्खन जैसे, है ना, कोमल है। तो एक माता जो है तो जा रही थी कि मैं तो आज देखूंगी कि कैसे भगवान जी का चरण इतना कोमल है, और जाती है जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, ये तो पत्थर जैसा लग रहा है,
और ऐसे सोच के वो क्या करते हैं कि उंगली दबा दी, जैसे उंगली दबा देते हैं पूरा वो, जैसे मक्खन में उंगली दब दब जाता है तो ऐसे ही दब जाता है। अभी भी वो जो चरण है भगवान जी का, विठल भगवान का चरण है, उसमें वो चिन्ह है ऐसे दबा हुआ चिन्ह है ना। मतलब वो एक जगह है जहाँ पे आप जाके चरणों को स्पर्श कर सकते हैं, माथा लगा सकते हैं, इतने दयालु है विठल भगवान। बाकी जगह में तो आपको बहुत दूर दूर से दर्शन मिलता है ना। तो इसी प्रकार जो है भगवान जी का है ना चरण है। और तो फिर दूसरी कहती है कि देखो ये देखने में तो छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जास पद पंकज धूरी करी शोक रही बिनु शिव धारे यह प्रतीति हरिहर न भोरे। ये कहती है जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष भी बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता का संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच रखा होगा। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी ऐसा ही हो। तो इसी प्रकार जो है ये दर्शन होता है, जनकपुर का दर्शन होता है। उसके बाद फिर है ना जो जाते हैं वो मंच देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे यज्ञशाला बना हुआ है। तो वो जो मंच बने थे, ये वाला पंखा ऑफ कर देंगे क्या? पंखा ऑफ कर दीजिए। तो चारों ओर जो है सोने के बड़े बड़े मंच बने गए थे यज्ञशाला में। और जब भगवान राम वहाँ पे पहुँचते हैं तो कुछ बालक वहाँ पे खेलते हैं, खेलते मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है। तो वो सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे थे ना, उनको करंट लग रहा था जब भगवान राम जी को छूते थे ना? और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो इसी प्रकार फिर उस दिन रात को, रोज रात को जो है भगवान राम क्या करते थे, विश्वामित्र जी का चरण दबाते थे। मतलब ये देखिए कि भगवान और भक्तों में जो है ये कितना प्रेम संबंध है। भगवान वो भी मौका ढूंढते हैं कि कैसे भक्तों की सेवा किया जाए, और भक्त तो भगवान की सेवा करते ही रहते हैं, है ना। तो चरण को दबाते दबाते फिर बार बार जो है वो आज्ञा देते हैं विश्वामित्र जी, आप जाओ सो जाओ, आप जाओ जाओ सो जाओ। फिर कुछ समय के बाद फिर रघुनाथ जी जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे फिर लक्ष्मण जी इंतज़ार करते रहते हैं, तो फिर लक्ष्मण जी भी जो है चरण दबाते रहते हैं। तो फिर भगवान राम कहते हैं कि अब सो जाओ, अब सो जाओ है? तो लक्ष्मण जी हालांकि तो आप जानते हैं सोते नहीं हैं, है ना, बहुत कम सोते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने हृदय में भगवान राम जी का हृदय को जो है लेट पकड़ के लेट जाते हैं। तो इसी प्रकार करते करते जो है दूसरे दिन आता है, और फिर उस यज्ञशाला में जाते हैं। तो वहाँ पे लोग कहते हैं जिन निज रूप
मोहिनी डारी सो बस मगर नर नारी बरनक छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखी हमी देखना जोग तो ये क्या हो रहा है कि सारे सखियां जाके सीता माता को कह रही है करे कि है ना कि हे सखी वे यही वो ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर की स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है हैं जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं अवश्य उन्हें देखना चाहिए वे देखने योग्य है। इसी प्रकार सखियाँ जो है सीता माता को कह रही है ना ये पंखा अंकल पंखा ऊपर वाला पंखा शोभा शिव सुभग दो बीरा नील पीत जल जाभ शरीरा माता जी मत बजाइए कथा मत बजाइए मोर पंख सिर सोहतनी के गुछ बिच बिच कुसुम कली के बाल तिलक सम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए विकट भुकुटी कच घुगर वारे नव सरोज लोचन रत्नारे रुचि बुक नासिका कपोला हास विलास नत मनोमोला मुख छवि कही न जायु ही पाही लक्ष्मण गए हैं पुष्प वन में फूल लेने के लिए पूजा के लिए
और वहीं पे सखियां सहित श्रीमती सीता माता वहां पे प्रकट होती है। और तो वहां पे कैसे वो देखती है, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सो है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भुएं और घुंघराले बाल है, नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र है, अर्थात लाल नेत्र है, थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है, मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सत्र सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। तो इसी प्रकार जो है एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीताजी से बोली, गिरिजाजी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती है? सीता माता जो है देख के ही ना वो कुछ बोल नहीं पा रही है, तो कुछ समय के बाद उसको उसका ध्यान भंग करने के लिए है ना सखी कहती है कि ठीक है, गिरिजा जी की पूजा करने के लिए आई थी है ना, उस पुष्प वन में गिरिजा जी का पार्वती माता का मंदिर था, तो बोली ठीक है बाद में उनका ध्यान कर लेना, अभी तो इन कुमारों का दर्शन कर लीजिए। तो इसी प्रकार जो है वहाँ से फिर जाते हैं, और जो गौतम ऋषि है, गौतम ऋषि के पुत्र थे सतानंद है ना, तो सतानंद जो है वो वहाँ पे जनक के पास जनक राजा के पास है, तो वहाँ पे भी उनको भी बताया जाता है कि आपके जो है माता पिता दोनों का मिलन हुआ है, तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं और विश्वामित्र जी का बाहवा करते हैं। तो उसके बाद फिर स्वयंवर का दिन आता है, तो सब लोग कहते हैं कि चलकर सीता जी का स्वयंवर को देखना चाहिए, देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, ये विश्वामित्र कह रहे हैं कि चलिए है ना स्वयंवर देखते हैं और देखते हैं कि किसके जो है ईश्वर जो है किसको बढ़ाई देते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, जिस पर आपकी कृपा होगी हैं वही बढ़ाई का पात्र रहेगा है ना, मतलब परोक्ष में कह रहे हैं कि जब राम जी के ऊपर आपकी कृपा है तो वही बढ़ाई के पात्र वही रहेंगे है ना। इसी प्रकार जो है दोनों भाई जो है रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। तो ये जो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामायण में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे तो ये स्वयंवर में जा रहे हैं और इन्हीं के सामने जो है क्या हो रहा है, सारे राजा जो है परास्त हो रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि जब ये बोलते हैं धनुष के बारे में पूछते हैं तो वो धनुष के बारे में बताते हैं कि ये धनुष जो है वो कैसे आया था। कहते हैं कि एक बार जो है मतलब कुछ देवता लोगों ने चाहे कि विष्णु और शिव जी के बाद बीच में थोड़ा सा एक लड़ाई होना चाहिए है ना, तो लड़ाई होना चाहिए, तो इसी कारण वो क्या करते हैं कि विश्वकर्मा जो है वो दो धनुष बनाते हैं, एक विष्णु धनुष एक शिव धनुष, पर एज इट इज है ना, नहीं तो फिर पता चलेगा अरे तुम्हारा धनुष जो है थोड़ा मोटा था या ये था। तो दोनों को दिया जाता है और दोनों में जब चलता है युद्ध चलता है तो एक समय में क्या होता है कि भगवान विष्णु जो है क्या करते हैं कि उसका जो ये शिव जी धनुष का जो टंकार होता है ना रस्सी होता है उसको काट देते हैं, तो शिव जी जो है गुस्सा होकर उस धनुष को जो है दे देते हैं
देवव्रत को देते हैं। देवव्रत जो है ये जनकपुर में जो पहले राजा हुआ करते थे, तो वहीं से वो शिव धनुष रखा गया है। और विष्णु धनुष जो है वो मिलता है जमदग्नि के पिता को मिलता है, फिर ऐसे करते करते वो परशुराम के पास रहता है, विष्णु धनुष रहता है। और फिर कहते हैं कि इसी प्रकार तो जनक जी कहते हैं कि बहुत सारे राजा आए थे और आके उसको उठा तो नहीं पाए, और जब उठा नहीं पाए तो फिर वो राजा जो है मेरे विरुद्ध में युद्ध किए, जब मेरे विरुद्ध युद्ध किए तो फिर मैंने देवता लोगों को जो है पुकारा, बोला तो देवता लोग जो है अपने कुछ सैन्य भेजे, तो जैसे ही भेजे तो सारे राजा जो है भाग गए। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मेरी पुत्री जो है कुंवारी ही रहे, तो आपको देखना है तो देख सकते हो, और अगर आपको उठाना भी आप उठा सकते हो, अगर आप तोड़ भी देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीता को मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी जो है यहाँ पे जो है इसमें पूरा स्वयंवर का वर्णन हो रहा है। तो दोनों भाई आ गए, तो जब सुने सब लोग कि वो दोनों भाई भी आए हुए हैं तो सब लोग जो है आ गए। अब जो है सब लोग कैसे देख रहे हैं उसको कहा जा रहा है, राज समाज विराजित रु रे उड़गन महु जन जुग विदु पूरे, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी देशी, तो जिन्हीं की रही भावना जैसी, जिनके अंदर जैसी भावना है वो भगवान जी को उसी प्रकार देख रहे हैं, है ना। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण भी जब गए थे कंस के वो जो आखड़ा में गए थे, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। जो माताएं थी वो वात्सल्य भाव में देख रही थी, जो मथुरा के तरुणियाँ हैं उनको तो लग रहा था कि जैसे स्वयं कामदेव आए हुए हैं, और जो जो असुर है वो तो जैसे देख रहे तो सोच उनको लगता कि जैसे यमदूत आए हुए हैं, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जो जिसकी जैसी भावना है वो ऐसे ही देख रहे हैं, है ना। तो कैसे देख रहे हैं, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी, महान रणधीर श्री राम जी चंद्र जी को रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो, हैं? और छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, और नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। और विद्वानों को कैसे दिख रहा है, विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर है। और जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सजन प्रिय लगते हो। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है, जिनकी वात्सल्य भाव है वो वात्सल्य रूप में देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता, योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखें।
और हरिभक्त। हरिभक्तों को दोनों भाइयों सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखे। और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र को देख रही है वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। तो इसी प्रकार जिसकी जो भावना है उसी प्रकार भगवान जो है उनको है ना देख रहे हैं। तो रंगभूमि जो है बना हुआ था बहुत ही सुंदर बना हुआ था और सब मंचों में जो सबसे अधिक सुंदर था उज्ज्वल और विशाल था तो ये विश्वामित्र को जनक ने वहीं पे बिठाया। तो वहीं पे बिठाया तो भगवान राम भी राम और लक्ष्मण भी उनके साथ बैठे। तो कुछ कुछ जो है मन में उनको विश्वास हो गया कि यही जो है क्या करेंगे धनुष को ही तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो और कुछ है ना कुछ कैसे सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र ही के गले में जयमाला डालेंगे। कि ऐसा लग रहा है कि धनुष तो तोड़ना की दूर की बात है, वो पहले से ही सीता जो है क्या कर देगी उनके है ना गले में जयमाला डाल देगी। हे भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं अरे हमें तो स्वयंवर तो है ही है और सीता जी उन्हीं के गले में अगर बलमाला जो जयमाला डाल देगी तो फिर हम तो ऐसे ही हो जाएंगे, चलो इससे बढ़िया कि उससे समय से पहले यहाँ से भाग चलो। तो कुछ लोग जो है कुछ राजा थे वो हंसने लगे, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है हमारे सामने हो जाएगा, तोड़ भी दे तो भी हम होने नहीं देंगे कि नहीं इस प्रकार कुछ सोच रहे हैं। कुछ कह रहे हैं काल ही क्यों ना हो एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। तो और कुछ बोले राजाओं के गर्व दूर करके कुछ बोले श्री रामचंद्र जी सीता जी को ही ब्याहेंगे, महाराज दशरथ के रण में है ना बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। तो और कोई कह रहा है ना गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है ना, आप सोचते सोचते रहते हो है कि नहीं। जय श्री जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की राधा मदन मोहन की श्री गौरिताय की। तो और कुछ जो है वो कह रहे हैं अरे इसमें क्यों पढ़ रहे हो तुम, सामने अमृत है। कह रहे हैं कि समीप आए में अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो, अमृत आया हुआ है हमारे सामने, हमने तो आज जन्म लेने का फल ही पा लिया है ना। कुछ पायस किंग होंगे कि नहीं, वो ऐसे ही सोच रहे हैं ना। तो इसी प्रकार करते करते जो है ना सारे राजा जो है सारे राजा एकदम रेडी है। तो उसी समय सीता माता आती है, हर शिशुरन दुंदुभी बजाई बरस प्रसन्न आप चरा गाई, पानी सरोज सोहो जय माला चट चित सफल हुआ चकित चित राम ही चाहा मोह बस सब नर समीप देखे दो भाई
लगे ललकी लोचन निधि पाई। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगी। सब राजा सीता जी की ओर देखने लगे, लेकिन सीता जी किनको देख रही है? सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जाकर स्थिर हो गए। तो इसी प्रकार सब राजा प्रयास करने लगे, है ना, कि कैसे धनुष को उठाया जाए। तो धनुष जो है, ऐसे एक जगह में वर्णन है कि 500 लोग और उस वो जो जिस रथ के ऊपर था वो धनुष, 500 वे पहलवान लोग उसको लेकर आए थे जिसमें चक्का लगा हुआ था, है ना। तो कितना पावरफुल होगा वो धनुष, है ना। तो धनुष को तो कोई हिला भी नहीं सकता। तो सब जो है ना, उपहास के योग्य हो गए। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। तो फिर जनक जी कहने लगे, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ देता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। तो जब ये कहते हैं तो, है ना, तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उठा लूँ। उठा ही रहे हैं अनंत शेष के रूप में, है कि नहीं लक्ष्मण जी, है ना, अनंत शेष के रूप में तो सारे ब्रह्मांड को धर पकड़ रखे हैं। कह रहे हैं, आप अगर कहेंगे तो गेंद की तरह खेलता रहूँगा मैं सारे ब्रह्मांड को, है ना, और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, भगवान, है ना, एक सम्मान में बोला जाता है, भगवान और भगवान में अंतर होता है। भगवान सम्मान सूचक बात है। आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है, पुराना है, नया थोड़ी है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे सौ योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। ये क्या बोलते हैं आप, ये तो उठाने की बात क्या कर रहे हैं, इसको तो मैं पकड़ के 100 योजन तक भी दौड़ के जा सकता हूँ। कि नहीं, हे नाथ, आपके प्रताप से, बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों के शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सभी राजा डर गए। फिर विश्वामित्र कहे, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप को मिटाओ। तो फिर भगवान राम जो है जाते हैं, है ना। तो जाते हैं तो, है ना, सब लोग सोचते रहते हैं, स्पेशली जो वहाँ पे जो माताएं थी, हैं, वो तो सोचती है कि अरे
किनको दे दिए हैं, कितना सुकोमल शरीर है इनका, है कि नहीं, तो इसी प्रकार सोचते रहते हैं। और रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए हैं, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, इस प्रकार है ना, उनके हृदय में करुणा है। हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कुछ सखियां भी उनको कहने लगी, किनको, जो जनक की पत्नी को, है ना, कहाँ मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र। अगस्त्य ऋषि भी क्या किए थे, समुद्र को पी लिए थे, है कि नहीं, तो छोटा को ऐसे छोटा नहीं मानना चाहिए। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों की ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। अब जो है सीता माता क्या कर रही है, वो भी प्रार्थना कर रही है। वो शिव जी हैं, पार्वती माता, दोनों को प्रार्थना कर रही है। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। सीता माता ऐसे जो है प्रार्थना कर रही है। ओहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ रामचंद्र जी का दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार सीता माता सोच रही है, फिर प्रार्थना कर रही है कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। तो श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। भगवान राम सबको तो देख रहे हैं, और देखते देखते जब माता को देखे, सीता माता को, तो देखे कि सीता माता बहुत व्याकुल है। देखी भी पुल विफल निमेष भी हाथ फल समते ही। जय राम, जय जय राम, त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, सब कृषि सुखाने समय चुके भूमि का पछताने। अस जिया जानी जान की देखी, प्रभु फूल के गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अतिलाघव के उदमिनी
उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, जानकी जी का, सीता माता का। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा, ऐसे भगवान सोच रहे हैं कि अरे अभी इतना है ना, इतना व्याकुल है, अभी अगर इसी समय मैं इनकी व्याकुलता ठीक नहीं करूँगा, सही नहीं करूँगा, तो फिर मतलब क्या फ़ायदा होगा जब कोई प्यासा व्यक्ति मर जाए और उसके बाद तुम अमृत के तालाब उसके सामने रख दो, है कि नहीं। मतलब बहुत ज़रूरी समझा कि बहुत जल्दी करना चाहिए। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जय श्री राम। जब उसे लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया, मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा और सबने श्री राम जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। जय श्री राम। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए। बहुत तेज आवाज हुआ, घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, इतने तेज आवाज होने लगा। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र की, सब बोलने लगे। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगे। ब्रह्मादि देवता सिद्धि सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। तो सतानंद जी हैं वो क्या किए, आज्ञा दिए कि सीता जी हैं को राम जी के पास गमन करने के लिए जो है आदेश दिए। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई, ऐसे लेकर गई और स्टिल हो गई, लो है कि नहीं, खिल नहीं रही है। तो चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला तो पहनाओ, है कि नहीं।
श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस पर सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों को के का समूह सिकुड़ गया हो। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से पुष्पों की जो है अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। तो सखियों कह रही है सीते, स्वामी के चरण छू तो। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हो गई, उनके चरण नहीं छूती है। तो क्यों कि गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। कि तो सीता जी की अलौकिक प्रति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र मन में हंसने लगे। तो इसी समय जो है तो लक्ष्मण के क्रोध का प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगी मत। तो इसी समय जो है क्या हुआ कि परशुराम वहाँ पे आ गए, है ना। परशुराम आ गए और आके जो है उन्होंने कहा कि जो है कौन धनुष तोड़ा है, है ना। तो फिर लक्ष्मण जी उनको, है ना, उनको थोड़ा संवाद कर रहे हैं उनके साथ है? उनके नेत्र लाल और भौहें ठेढ़ी हो गई और क्रोध से राजाओं को और देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों के झुंड देखकर सिंह के बच्चों के को जोश आ गया हो। और तो परशुराम जी आए तो इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, क्योंकि ये क्या किए थे, पूरा क्षत्रिय नाश कर दिए थे, है ना, एक समय में। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी आशीर्वाद किया। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे। तो बोले, ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। और फिर बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र देखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज है वहां तक का पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, धनुष तोड़े थे, अब मजा लो। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। हे नाथ, तो लक्ष्मण जी अब बोल रहे हैं, हे नाथ, शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा, क्या आज्ञा है। भगवान राम कह रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं कहते। सेवक वो है, तो फिर वो कह रहे हैं, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्र भाव के समान मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तो फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे गोसाई, लड़कनपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। तो फिर वो कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं, काल के वश होने से मुझे तुझे बोलने से कुछ होश भी नहीं है,
सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? तो लक्ष्मण जी हंसकर कहे, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही से ही है, हम तो क्षत्रिय है कि नहीं? हमारे लिए शिव धनुष क्या है, वो बाकी धनुष क्या है? पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? और फिर ये थोड़ी तोड़े थे हम, ये तो छूते ही टूट गया, है कि नहीं? इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है? मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जो है अपने फरसा दिखाए, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव को नहीं सुना है, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं मैं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार से उसे ब्राह्मण को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को तो देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है और ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं आप, और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। कह रहे ब्राह्मण हो आप, इसलिए मैं सह ले रहा हूँ। मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, नहीं मुझे भी क्रोध करना आता है। कि नहीं, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, है कि नहीं? आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं वीरता नहीं दिखा रहा हूँ। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो यही तो वज्र के समान है। तो फिर जो है परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है, यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी का, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, खुद ही बता दो ना। और कौन कौन क्यों बताएगा है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन कर दी है, इतने पर भी संतोष अगर नहीं हुआ है तो फिर और कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए, आप वीरता व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं देता आप। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। फिर परशुराम फिर बोले, आप लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने की योग्य है, इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने की ही
मरने को ही आ गया है, तो फिर विश्वामित्र जी खुद बोलते हैं कि अपराध क्षमा कर दीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। और वह फिर परशुराम बोलते हैं, ये जो है तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से ही अभी तक मैंने छोड़ा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से हैं जो है गुरु से अरुण हो जाता। तो इस प्रकार कहे, तो इस प्रकार चलने लगा। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ अभी तक, है कि नहीं? आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, है कि नहीं? आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं। तो फिर जो है भगवान राम बोलने लगे, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए, यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ भी चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप तो समदर्शी सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। ऐसे भगवान राम उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो फिर परशुराम बोले, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह विष मुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। फिर लक्ष्मण जी फिर शुरू हो गए, हे मुनि सुनिए, क्रोध ही पाप का मूल है। आप मुझे पापी कह रहे हैं, लेकिन क्रोध कौन कर रहा है? क्रोध तो आप ही कर रहे हैं, है कि नहीं? जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर में प्रतिकूल चलते चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए, टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। इतना सब खड़े हैं, थोड़ा बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए, अगर इतना प्रिय लग रहा है आपको। तो जनक जी जो है वो डर गए, तो बोले, बस चुप रहिए, मनु जी तो बोलना अच्छा नहीं है। लक्ष्मण जी को चुप करा रहे हैं। जनकपुर में स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। सब लोग कह रहे हैं, क्या रहे? ये तो बड़ा खोटा है, है कि नहीं? तो इसी प्रकार है, और परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। मतलब क्रोध जितना करोगे ना तो क्या होगा, शक्ति क्षय होगा ना। तो फिर भगवान राम जी को कहते हैं, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे, तब रामचंद्र ने तिरछी नज़र से उनको और देखा कि अब आगे मत बढ़ो। तो फिर लक्ष्मण जी चुप रहे। तो कहे, तो भगवान कह रहे हैं कि हे स्वामी, कृपा क्रोध बस और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूँ। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी भर से रहते हुए मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ।
हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है, राजाओं के घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है आज। विधाता विपरीत हो गया है, इसे मेरा स्वभाव बदल गया है, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। हे मुनि, यदि कृपा करके आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध होने पर भी होने पर शरीर को रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके, मतलब फिर लक्ष्मण जी फिर कुछ बोलने लगे, इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। तो लक्ष्मण जी हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। मतलब ऐसे अगर है ना, तो इसी प्रकार करते करते फिर जो है समय हो गया। तो इस प्रकार करते करते फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर परशुराम ने कहा कि ऐसा है कि ये मेरा विष्णु धनुष है और इस धनुष में तुम अगर टंकार निकाल सकते हो, करके तीर मार सकते हो, तभी नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा। तो भगवान जी लेते हैं और ऐसे खींचते हैं और खींचने के बाद कहते हैं कि अब तो मैं कभी अगर मैं ना टंकार मतलब छोड़ता नहीं हूँ मैं, है ना, अगर एक बार खींचता हूँ तो मेरा फल्स नहीं जाता। तो फिर जो है परशुराम कहते हैं कि मैंने जो भी पुण्य कमाया है तो उसको तुम जला डालो, है ना। तो फिर उसको जला डालते हैं तो फिर परशुराम समझ जाते हैं कि आप ही मतलब समझ जाते हैं कि यही विष्णु है, नहीं तो विष्णु धनुष को कौन ऐसा करेगा। तो इसी प्रकार करते करके फिर परशुराम जो है चले जाते हैं और खबर पहुंचता है अयोध्या में। और अयोध्या में खबर पहुंचने के बाद अयोध्या से फिर जो है दशरथ महाराज और सभी आते हैं यहाँ पे जो है जनकपुर में आते हैं। और जनकपुर में आने के बाद सारा विवाह उत्सव वहाँ पे संपन्न होता है। और ऐसे जनकपुर जो है ऐसा सजाया गया था कि देवता लोग को भी स्वर्ग जो है तुच्छ लगने लगा। अरे क्या है इस जगह में हम रहेंगे, चलो कुछ दिन जनकपुर में रहते हैं, है ना, इस प्रकार रहे। और तो इसी प्रकार तो फिर जो है विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न होकर चारों भाइयों का विवाह संपन्न होकर फिर जो है वापस अयोध्या में पहुँचे। तो इसी प्रकार आज ये बालकांड का श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज हरणम। नव कंज लोचन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव कृपालु भज मन हरण भव श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज
पद कंदारुणं नवकंद गणित अमित छवि नीर नीर सुंदरम कंदर्प गणित अमित छवि नीर नीर सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम पट पीत मानहु जुन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश चंदनम रघुनंद आनंद कंद कोसल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद चिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण पादानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषण दति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि कल दल गंजनम Yeah.